हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए। आज ऐसा ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसको ई से डिनोट करते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब हम निकालते हैं या उसकी बात करते हैं, हमेशा ये दो कंट्री की करेंसी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है। यहाँ पे हम एग्जांपल लें, डोमेस्टिक करेंसी को इंडिया की करेंसी मान ली जाए, दैट इज रुपी, एंड फॉरेन करेंसी की जिसकी रेफरेंस में ये बात होगी उसको मान देते हैं यूएसए, और उसकी करेंसी है डॉलर। सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो रेफरेंस कंट्री हमने ली है उसकी एक यूनिट खरीदने में कितने यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लगेंगी, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। मान लीजिए एक डॉलर खरीदने में आज की डेट में 75 इंडियन रुपीस लग रहे हैं, तो दिस विल बी नॉमिनल एक्सचेंज रेट, या फिर शॉर्ट में ई जिसको हम बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई? एक डॉलर में या एक डॉलर परचेज करने में कितने यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी लगेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी एंड यूएस डॉलर, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ये पॉइंट आप याद रखिए। देखिए, मान लीजिए अगर ये कम हो जाए, या हम इसको बोलें देयर इज अ फॉल इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, बहुत बार बोलते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगर गिरता है इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोला जाता है देयर इज अ नॉमिनल एप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी, यानी नॉमिनली एप्रिशिएट हुई है हमारी करेंसी। कैसे? अगर ये डिक्रीज होगा, जो आज 75 इंडियन रुपीज इक्वल टू एक डॉलर था, ये कम होके 60 रुपीज इज इक्वल टू एक डॉलर हो जाएगा, राइट? अब डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी तो एप्रिशिएट कर गई। पहले एक डॉलर खरीदने में 75 रुपए लगते थे, लेकिन जब से नॉमिनल एक्सचेंज रेट नीचे आया उसकी वजह से हमने बोला एक डॉलर खरीदने के लिए अब सिर्फ 60 रुपए लगेंगे। मतलब अगर आप आपको एक डॉलर खरीदना है तो पर डॉलर आप 15 रुपए बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अब आपकी करेंसी दैट इज इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो गई है। इसको बोला जाएगा नॉमिनल एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। क्वेश्चन में कभी स्टेटमेंट पूछा जाए कि अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो उसका आउटकम क्या होगा, दैट विल लीड टू नॉमिनल एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑफ होम करेंसी, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।